नमस्कार, मैं प्राची गुप्ता लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज के YouTube चैनल की अपनी संगीत की कक्षा में आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की कक्षा में हम झप ताल की चौगुन बनाना सीखेंगे। हमने चौगुन बनाने के लिए ठेके के बोल के हिसाब से जो चारों विभाग हैं उनको चार हिस्सों में बांट के लिख लिया। अब जगह कम पड़ती इसलिए मैंने पहला विभाग, दूसरा विभाग, एक लाइन छोड़ के तीसरा विभाग और चौथा विभाग नीचे बना दिया। ये लाइन छोड़ना ज़रूरी है, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा आपस में मिल नहीं सकती है, ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। अब अगला काम क्या करना होता है, हम चिन्ह लगाते हैं। पहली मात्रा के नीचे सम, तीसरी मात्रा के नीचे दूसरी ताली, छठी मात्रा के नीचे खाली और आठवीं मात्रा के नीचे तीसरी ताली होती है। पहली मात्रा के नीचे वापस सम होता है। अब हम क्या काम करते हैं कि बोलों को त्रिगुण में तीन बार लिखा था, दुगुण में दो बार लिखा था, तो चौगुन में हम चार बार लिख लेंगे। अब हम चार बार जो हमने बोल लिखे हैं पहले से ही, आइए उसको चार चार के जोड़े में बांटते हैं। एक दो तीन चार, 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 एक दो तीन, ये हो गया चार। हम चाहें तो इसको ना को यहाँ लिख के यहीं पे हम इसे पूरा कर सकते हैं, क्योंकि हमें पहले नहीं मालूम था ना कि जोड़ा कहाँ बनेगा, ये वाला हमने काट दिया। एक दो तीन चार और एक दो तीन चार, देखिए कोई भी एक बोल एक्स्ट्रा नहीं बच रहा है। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ही बचे हैं, हमने इनको नंबर दिया। एक दो तीन चार पाँच, ये हो गया छः सात आठ नौ और दस। अगला काम हम क्या करते हैं, जो नंबर जिस जगह है उसे उसी नंबर के नीचे या मात्रा के नीचे लिख लेते हैं। तो देखिए मैंने पहले से ही आपके लिए लिखना शुरू कर दिया है। पहला जोड़ा पहली मात्रा के नीचे धी ना धी दी, फिर ना ती ना धी, धी ना धी ना, धी धी ना ती, ना धी धी ना, धी ना धी दी, ना ती ना धी, धी ना धी ना, धी धी ना ती, ना धी धी ना। पहली मात्रा में फिर से दिया जाएगा और ये हमारी झप ताल की चौगुन कंप्लीट हो गई है। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि तालों की दुगुन तिगुन चौगुन कैसे लिखी जाती है। तो आप इसको लिखने का अभ्यास करें, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। हम आपसे अगली कक्षा में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।